चाहिए। सम्मान जो है ना, अब तुम्हारी विद्या लीजिए, रुपये नहीं है, नौकरी चाह रहा है, हम नौजवानों को नौकरी दो, हम तुम्हारे खजूर का मोहताज नहीं है, बिरयानी के मोहताज नहीं है, हम तुम्हारे खजूर के मोहताज नहीं है। केसीआर ने धोखा दिया 12% रिजर्वेशन के नाम पर, केसीआर ने धोखा दिया मुसलमानों को नौकरियों के नाम पर, केसीआर ने धोखा दिया मुसलमानों को लोन। बायकॉट करो, बायकॉट करो, हम भिखारी नहीं है, नहीं है, हम तुम्हारे ठीक क्या बोलता है, केसीआर की इफ्तार के भिखारी नहीं है, केसीआर की इफ्तार पार्टी इफ्तार बायकॉट करो, बायकॉट करो। केसीआर हुकूमत ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी और धोखेबाजी करते आ रहे हैं। पहले तो जो है 12% रिजर्वेशन की बात करें, बेरोजगार मुसलमान नौजवानों को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए लोन देने की बात करें, उसके बाद हर घर को एक नौकरी देने की बात करें, आज जो है ना हर साल जो है 200 रुपये का तोहफा देकर तमाम मुसलमानों को जो है ना भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं। मुसलमान जो है, मुसलमानों को इल्म चाहिए, मुसलमान नौजवानों को जो है ना रोज़गारी चाहिए, हमको जो है ना केसीआर की भीख नहीं चाहिए। आज जो है ना देख रहे हैं कि हिंदुस्तान अपने तेलंगाना के अंदर एक के बाद एक मजीदें शहीद होते आ रहे हैं, हर तरफ से देखिए आप मुनाफिकाना चाल चलते आ रहे हैं, हर तरफ से देखिए मुसलमान टारगेट हो रहे, नौकरियों की जगह टारगेट हो रहे, एजुकेशन की जगह टारगेट हो रहे, हर जगह हो रहे। उसके बाद क्या हो रहा, जब रमज़ान का महीना आ रहा तो जो है ना एक बिरयानी और एक खजूर पर जो है ना मुसलमानों को ख़त्म करते आ रहे हैं। केसीआर जो है ना, हम तमाम तेलंगाना की आवाम से अपील करते हैं कि जो है केसीआर की जो इफ्तार पार्टी है उसको बायकॉट करे, क्योंकि हमको एहतजाज दर्ज करना है। अगर हम जो है एहतजाज दर्ज नहीं करेंगे तो इस तरह से मुसलमानों को गुमराह करते आ रहा है पिछले 8 सालों से, आगे भी इस तरह से जो है ना गुमराह करते आएंगे। मैं तमाम तेलंगाना के आवाम से अपील करता हूँ केसीआर की इफ्तार पार्टी को बायकॉट करें। आज हम माइनॉरिटीज़ हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से आज हम लोग एक प्रोटेस्ट किए, जिसमें हमारा एजेंडा था बाइकॉट केसीआर इफ्तार पार्टी। ये मुहिम हमारे जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब आज से कुछ दिन पहले स्टार्ट करे थे और आज हम इसको फॉलो करते हुए आज एक हैशटैग बनाए हैं, जिसमें हैशटैग बाइकॉट केसीआर इफ्तार पार्टी। हमारा आज का मकसद ये था, ये करने का, ये प्रोटेस्ट जो हम दर्ज करना चाह रहे थे, ये था कि आज केसीआर सिर्फ मुसलमानों को दीवाना बना रहे हैं, अपने आप को एक सेक्युलर सीएम बताते हुए सिर्फ मुसलमानों के साथ नाइंसाफी और धोखा कर रहे हैं। आज मुसलमानों से वादा करे 12% रिजर्वेशन देने का, सिर्फ वादा ही रह गया। मुसलमानों से वादा करे नौकरियां देने का, आज नौकरियां देने देके वादा ही रह गया। मुसलमानों को वादा करे पेंशन देने का, बेरोजगार पेंशन देने का, आज वो वादा ही रह गया। आज किसी भी मुसलमान इदारे में कोई उनके मुहाफिज बैठा हुआ नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है, आज सारे के सारे मुसलमान इदारे माइनॉरिटीज़ के इदारे खाली पड़े हुए हैं। आज कोई हमारे को लोन देने वाला नहीं है, आज माइनॉरिटी फाइनेंस खाली पड़ा हुआ है, वहाँ से कोई लोन कई चंद दो तीन साल से वहाँ से कोई लोन नहीं मिला। मतलब आज मुसलमानों को एक बिछड़ा तबका बना दिए और अपने आप को एक सेक्युलर सीएम बोल के बता रहे हैं। क्या आप ये बताओ, हम मुसलमान एक छोटे खजूर और एक पैकेट बिरयानी का मोहताज है? क्या आज केसीआर की हुकूमत में सीएम केसीआर के सामने हमारी औकात सिर्फ एक खजूर और एक बिरयानी के पैकेट की है? साल में एक बार एक चंद फ्रूट्स मंगा के एक खजूर खिला के हमारे को इफ्तार करा दे रहे, एक 200 से 300 रुपए का एक 50 रुपए की साड़ी उसके अंदर एक कुर्ता दे के मुसलमानों को जो है सो एक रमजान गिफ्ट दे दे रहे, साथ ही साथ एक बिरयानी का पैकेट खिला दे रहे, क्या हमारी औकात उतनी छे? केसीआर के नजर में हमारी औकात वही छे? हम उतने गए छे? क्या हमारे को आगे बढ़ने का हक नहीं है? क्या हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं करना?